सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकली डिशो ड्रेस चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे लटकन बनाना। ये लटकन दोस्तों ये लहंगा का होगा कि जैसे आप लहंगा का लटकन लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा 300 से लेकर 600 तक का लटकन आता है। तो आज हम सीखेंगे जैसे कि हमारा चोली का कपड़ा हुआ और या ये लहंगा का कपड़ा, इसका हम कंट्रास्ट करेंगे और हमारा इस तरह से बनाएंगे कि ये हमारा बाजार में भी नहीं मिलेगा और ये बहुत ही कम खर्चे में बनेगा। सिर्फ 30 या 40 रुपए खर्चा आएगा इस पे और आप कम से कम 300 से 600 रुपए तक का लटकन बना सकते हैं, वो भी अपना ड्रेस का मैच करके। तो ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बनेगा, ऐसे मैं भी बनाता हूँ। जैसे मेरा लहंगा कस्टमर आते हैं तो इसका मैं बनाता हूँ, कस्टमर का पसंद बहुत ही ज़्यादा आता है और इस थोड़ा हैवी लटकन बनता है। ये सूट के लिए नहीं होता, अगर आप सूट में बनाना चाहते हैं तो ये जो मैं बताऊंगा अभी वही छोटा करके बनाएं। तो ये बहुत ही अच्छा है, पूरा कंट्रास्ट भी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप एक बार जरूर ट्राई करें, आप जैसे फोटो में देखे हैं उससे भी बेहतर बना सकते हैं आप। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये लटकन बनाने के लिए लहंगा के लिए ये आपको जितना भी आप देख रहे हैं ये आपका, अगर आप दुकान है आपका, अगर आप सिलाई काम कर रहे हैं तो आपके पास इतना इतना टुकड़ा आपका गोटे का ये सब जो भी है, ये स्टोन जो भी है, इससे छोटा बड़ा अपना हिसाब से ऐसा ऐसा आपके पास बहुत सारा बचता होगा। तो आपका समझ लीजिए कि फ्री में ये बनेगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों। सिर्फ आपको खर्चा होगा जो एक लटकन में होगा ये 30 से 40 रुपए तक आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं मशीन की तरफ। दोस्तों ये जो मैं कपड़ा काटा हूँ ये कपड़ा दोस्तों हमारा रहेगा चोली का, जो लहंगे के साथ आप जो भी पहनेंगे, लहंगे के साथ सूट है तो सूट का रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये काटा हूँ मैं 4 इंच इधर से भी 4 इंच इधर से भी, ये पूरा चकोर है। और दोस्तों ये जो इस तरह एक्स्ट्रा ले रखा हूँ मैं, इस तरह से इसको ऐसे कर देंगे। ये देखेंगे हमें कि ये कितना चौड़ा है, ये है 2.25 इंच, इधर से भी हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच का। ठीक है दोस्तों, इसको हम सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों ये जो मैं सिलाई लगाया ये थोड़ा गैप आ गया, गैप नहीं डालना है इसमें, पूरा किनारे करके सिलाई लगाना है, नहीं तो आपका ये ऐसे ही होगा। ये थोड़ा ये है तो मैं इसको ऐसे अंदर कर दूंगा, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे अंदर कर देंगे। दोस्तों इस पे जब रखेंगे, ये जो मैं काटा हूँ ये अभी कच्चा है, इसे हम ढक देंगे, थोड़ा बाहरी करेंगे थोड़ा सा। सिलाई लगेगा, ये जो कपड़ा है तो अंदर ही रहना चाहिए। सेम इसी तरह हम दोनों कर लेंगे। रुक जा दोस्तों, मैं ये लगा चुका हूँ और दोस्तों ये मैं किनारे में थोड़ा हटा के लगाया हूँ ताकि मेरा कचरा बाहर ना हो। और इस पर हम ये जो है इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि ये थोड़ा हैवी हो जाए।
दोस्तों ये आपस में ये सीधा उल्टा हम देख लेंगे, जब हम लेस लगाएंगे ये अभी सीधा है मेरा, इसको आपस में इस तरह से इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, क्योंकि लगाने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो इसको हम छांट देंगे, नाप लेंगे दोबारा, क्योंकि ये गोटा है लगाने में इधर उधर हो जाता है। इसको हम सिलाई कर लेंगे और एक सेट इतना सा हम छोड़ देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों रुई आएगा, सिर्फ कच्चा ही सिलाई लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं खुला रखा हूँ, मैं इसको बाद में बंद करूँगा और इसको हम इसमें हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आराम हो। और दोस्तों इसमें हम रुई डालेंगे, बस ये रुई मैं रखा हूँ, दोस्तों मैं इसमें रुई डाल चुका हूँ, इसमें ज़्यादा ना डालें, ठीक ठीक डालें, और इसको हम सिलाई कर देंगे और इसको पेचकस से हल्का सा ऐसे ऐसे इस तरह से हम इसको मारेंगे ताकि ये हमें पूरा चारों साइड एक जैसा हो जाए। दोस्तों ये लैस जो है इसकी जैसा और अच्छे लगा सकते हो, लेकिन ये लैस मुझे ठीक 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 लग रहा है, अभी ठीक ठीक है ये। तो इसको जैसे मैं ये दोनों साइड में पक्का किया था, दोनों साइड से लैस लगाया था, ये इसको हम ऐसे रखेंगे और ये इस पॉइंट से जैसे मैं सिलाई लगाया था कच्चा सिलाई, इसको ये जो कचरा है दोस्तों इसको हम इस तरह से रखेंगे, उसको हम बाद में छांट देंगे क्योंकि दोनों साइड से ही लगेगा, इसको हम इस तरह छांट देंगे। ये दोस्तों जो लैस है ये रुई डालने से पहले भी लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, रुई डालने से पहले भी लगा सकते हैं। इस जगह पे कोने के पास दोस्तों हमें ये खींचना नहीं है, यहाँ पे हमें कोना बनाना है, इस तरह से बनाना है। ये इस तरह से लग गया, ये जो कचरा है इसको हम काट देंगे, लैस ना कटे ध्यान से। दोस्तों ये मैं एक साइड लगा चुका हूँ और जैसे ये मेरा यहाँ पे आएगा इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे हम घुमा लेंगे, क्योंकि यहाँ की हमें पक्का करना है, इस तरह से ऐसे करेंगे तो ये पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि काट के करेंगे तो यहाँ पे ये लैस ऐसा होता है कि ये फोल्ड नहीं होता सही से, तो इसको हम फिर एक बार सेम सिलाई लगाएंगे, ध्यान रखना है कि ये जो हमारा है ये हमें नीचे ना आए। सेम वही हमें कोना पे चकोर बनाना है,
आप सिंगल बूट से भी लगा सकते हैं, डबल से भी लगा सकते हैं, जो ऐसा जैसा आपको ठीक लगे। दोस्तों ये जो है ये जो मैं शुरू में किया था, इसको इस तरह से जितना हमें रखना है इस तरह से ज़्यादा ज़्यादा 1.25 इंच रखें, ज़्यादा ना रखें। इस तरह से इसको हम गूम कर देंगे। ये मैं कह रहा था ये जो होता है ये गूम सही से नहीं होता, फिर क्या करें करना पड़ता है इसको। जितना फिनिशिंग आया आराम से उस तरह से हम करेंगे, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना कि ये हमारा टूट जाएगा, कांच का होता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा होगा बंद दिखेगा। और दोस्तों इसमें और कुछ बाकी है जो मैं लगा के दिखाऊंगा सुई धागे से। और इसको एक बार जो मैं बताया था, इसको इस तरह से पीटने से ये बराबर होता है। इस तरह से हम इसको करेंगे चकोर। दोस्तों इसको मैं बराबर कर रखा हूँ, ये पूरा इस तरह से दिख रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम एक लटकन लगाएंगे जो मेरा यहाँ पे आएगा इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये जो मैं है इसमें आप जिस तरह से लटकन ये लगाना चाहते हैं ये भी लगा सकते हैं, छोटा इससे भी छोटा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा रहे तो भी काफ़ी है इतना। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं इसमें लगा के दिखाऊंगा। और दोस्तों आप लहंगे के लिए इस तरह सेम इस तरह बनाएंगे, एक ये साइज होगा, ये मैं 4 इंच काटा था, एक आपको 2.5 इंच काटना होगा, क्योंकि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, जो छोटा होगा वो ऊपर रहेगा और जो बड़ा होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक लहंगा में 2 लगेगा, एक बड़ा एक छोटा, ये मैं 4 काट कर मैंने दिखाया था शुरू में। तो ये मैं ऊपर में ऐसे अटैच करके और ये दोनों साइड अटैच करके फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये मैं लगा चुका हूँ दोनों साइड, और ये मैं लटकन भी लगा चुका हूँ। तो देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत बना है ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बनाइए और दोस्तों अपने ड्रेस में लगाइए। आपका कोई भी बंदा हो, अगर कोई भी बोले अगर ये ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे सीधा कॉल करके मुझे बोल सकते हैं, भाई आपने ये क्या बताया। मेरा नंबर नोट करें, 8873778583। दोस्तों ये कस्टमर के जब मैं बना के देता हूँ ना, कस्टमर इतना खुश होता है कि क्या बताऊँ आपको। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप कंट्रास्ट करके बना सकते हैं, इससे भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मैं बहुत ही अपने दिल से बनाया हूँ कि ये डिज़ाइन लटकन का। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, कुछ हो ना हो कमेंट कर ज़रूर करें। तो मुझे ये आपसे बहुत उम्मीद है कि मुझे एक बार ज़रूर सही लगे, तो भी ना लगे तो भी मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर कमेंट नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होगा इस बात का, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा हौसला भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।